पोकेमोन जनरेशन एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हमें सिनो के एक जगह को दिखाया जाता है जहां हम वहां टीम गैलेक्टिक को देखते हैं। वहां उनका लीडर साइरस बोलता है, बाहर आओ डियाल्गा और पालकिया, अभी वक्त आ गया है एक नई दुनिया को तैयार करने का और इस दुनिया के खत्म होने का। डियाल्गा द मास्टर ऑफ टाइम, पालकिया द मास्टर ऑफ स्पेस एंड डायमेंशन, मुझे अपनी सारी ताकत दे दो एक नई गैलेक्सी, एक नई दुनिया बनाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के पावर से तबाही शुरू हो जाता है। ये देखकर टीम गैलेक्टिक की मेंबर मार्स बोलती है, ये दुनिया खत्म होने जा रहा है। एक और मेंबर जुपिटर बोलती है, मास्टर साइरस आपने ये कर दिखाया, वो वक्त आ गया है एक नई दुनिया के शुरुआत का। इसके बाद वहाँ सिंथिया और उसकी गार्डचोंप आ जाती है, वो बोलती है ये सब अभी रोक दो। सिंथिया सिनो की चैंपियन, वो बोलती है उन दो पोकेमोन को तुम्हें रिलीज करना ही पड़ेगा। साइरस बोलता है तो तुम आखिरकार आ ही गई। इसके बाद हमें वहाँ से एक और पोकेमोन बाहर आता हुआ दिखता है जो और कोई नहीं बल्कि गिराटिना होता है। साइरस उसे देख कर बोलता है, शैडो से आने वाला पोकेमोन, आखिर तुम मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए आ ही गए। इसके बाद साइरस पालकिया और डियाल्गा को ऑर्डर देता है गिराटिना पर हमला करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं पालकिया और डियाल्गा गिराटिना के ऊपर हमला करता है और गिराटिना उनके हमले से बचता है और उनको हमला करने से भी रोकता है। इसके बाद हम देखते हैं गिराटिना मास्टर साइरस को लेकर अचानक ही वहां से गायब हो जाता है और सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। टीम गैलेक्टिक के सभी मेंबर साइरस को पुकारने लगता है और वहां हेडक्वार्टर में साइरन भी घबरा जाता है और मास्टर साइरस के बारे में चिंता करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं साइरस किसी अनजान जगह में बेहोश है और होश आने के बाद वो अपनी आंखों के सामने गिराटिना को देखता है। साइरस गिराटिना से बोलता है, तो आखिरकार ये है तुम्हारी दुनिया और अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने मेरा प्लान चौपट कर दिया है। तुम्हारी इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है और ना ही कभी कुछ हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा नया दुनिया ऐसा होगा। मैंने जिस दुनिया का सपना देखा था ये दुनिया बिल्कुल भी वैसा नहीं है। इसके बाद हमें टीम गैलेक्टिक के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। वहाँ सभी लोग मास्टर साइरस को जवाब देने के लिए बोल रहे थे और सभी लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में थे और तभी मास्टर साइरस जवाब देता है, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हमें एक भयानक सा आवाज सुनाई देता है। टीम गैलेक्टिक के मेंबर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और मास्टर साइरस के बारे में चिंता करने लगता है। तभी सैटर्न बोलता है, मास्टर साइरस मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। और ऐसे ही एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर एक लाइक कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए यार सब्सक्राइब करके रख दो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।